कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल एक कार्गो शिप को समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया। कार्गो शिप समुद्री लुटेरे उसे अगवा कर लेते हैं, जिसमें 15 भारतीय मौजूद थे। भारतीय नौसेना के माकोस कमांडोज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफलतापूर्वक उन्हें बचा लिया है। नौसेना ने एमवी लीला जहाज से यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। मंजीत नेगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। भारतीय नौसेना ने वाकई एक जबरदस्त ऑपरेशन को मंजीत अंजाम दिया है। 15 भारतीय थे, 15 बचा लिए गए हैं, पूरा बताएं। कुल 21 लोग थे और कल देर शाम जब भारतीय नौसेना को सोमालियन पायरेट्स की जानकारी मिली थी, जिन्होंने इस शिप एमवी लीला नॉरफोक को हाईजैक किया था, उसके बाद आज दिन भर के इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के आईएनएस चेन्नई बड़े युद्धपोत को लगाया गया था और उस युद्धपोत पर हेलीकॉप्टर की मदद से जो एलीट मार्कोस कमांडो है ना, उन्होंने देर शाम अभी इस ऑपरेशन को अंतिम रूप दिया। इस वक्त वो एमवी लीला के शिप के ऊपर है, उसमें 21 टोटल जो क्रू मेंबर थे उसमें से 15 भारतीय थे, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। सैनिटाइज कर दिया गया पूरे जहाज को। मार्कोस इस वक्त उसके डेक से लेकर हर सेक्शन में मौजूद है, सभी जगह उसको छानबीन की जा रही है। और इस तरह से पूरे दिन भर चले इस ऑपरेशन में को सफलतापूर्वक भारतीय नौसेना ने आईएनएस चेन्नई, जो कि बड़ा युद्धपोत है, उसको उत्तरी अरेबियन सी में भेजकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछले 15 दिनों में ऐसी 3 घटनाएं हुई, जिन तीनों घटनाओं को एक तरह से भारतीय नौसेना ने समय रहते नाकाम या भी किया है। जबरदस्त। और उन परिवारों की खुशी का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं मंजीत, जिनको इस वक्त आज तक के जरिए ये खबर मिल रही होगी, उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल, देर शाम कल देर रात जब भारतीय नौसेना से इनका संपर्क हुआ था और ये जानकारी मिल रही थी कि इस शिप के अंदर 15 भारतीय क्रू हैं, उनसे संपर्क साधा गया, उसके बाद से लगभग आज पूरा दिन इस ऑपरेशन में लगा। और एक तरह से अभी हमने देखा कि कई इस तरह के जो सोमालियन पायरेट्स थे उन्होंने वो लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बड़े ऑपरेशन में जिस तरह से आज 21 क्रू मेंबर जो बाकी देशों के थे और 15 खासतौर से भारतीय थे, उन्हें बचाया गया। भारतीय नौसेना ने अपनी पूरी ताकत इस ऑपरेशन में लगाई और पिछले अगर आप देखें 10-15 दिनों के अंदर